हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद सुपर मॉम पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे हम चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फेमस नाश्ता है। तो आइए, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं, देख रहे हैं, ये हाफ हाफ कटा हुआ है। 1 प्याज चॉप कर लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 4 हरी मिर्च, ये मैंने मैदा लिया है 2 स्पून, ये ऑयल, और इसमें मैंने मूंगफली के दाने और 4-5 किशमिश लिए हैं। मूंगफली के दाने को मैंने रोस्ट कर लिया है। और ये है 3 स्पून चावल का आटा, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला और मिर्च पाउडर। और ये है, हम इसे मैंने सूजी को रोस्ट करके और वो जो नमकीन आती है उसे भी मैंने पन्नी में डाल के थोड़ा सा चूड़ा बना लिया है उसको, और इसमें मिक्स कर दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कटलेट बनाना। कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने आलू मैश कर लिया है। अब हम प्याज को फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे ऑयल चढ़ा लिया है, तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर, प्याज, हरी मिर्च, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का फ्राई करना है हमें इसे। हमारा प्याज फ्राई हो गया है, अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, सब्जी मसाला, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं, गरम मसाला, मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। ये हमने काली मिर्च जो क्रश करके रखा हुआ था वो डालेंगे, नमक, और अब हम इसमें इसको मिला देंगे थोड़ा सा, 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, आलू में सारा मसाला मिल गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें ये मूंगफली और जो 5-6 किशमिश लिए थे वो डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे अब अच्छे से मिला लेंगे और इसे गैस पे से उतार लेंगे। अब किसी बाउल में हम सब शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ये हमने इसमें निकाल लिया था और ये अब हमने इसे 2 मिनट तक ठंडा कर लिया। अब हम इसमें चावल का आटा 2 स्पून देंगे इसमें, ताकि ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया है चावल का आटा डाल के, जिसे हम अच्छे तरीके से ये मिल गया है। अब हम अपना जिस साइज से कटलेट बनाना चाहते हैं, आप राउंड भी बना सकते हैं, नहीं तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। इस तरीके से बना के हम रख लेंगे एक प्लेट पे इस तरीके से। ये देखिए, हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो मैदा लिया था उसमें हम पानी डालेंगे और इसे पतला घोल बनाएंगे, एकदम पतला घोल। ये देखिए, हमने घोल तैयार कर लिया है, एकदम पतला घोल है ये। अब हम इसमें कटलेट डालेंगे, थोड़ा सा ऐसे डिप करेंगे और
और इसको आराम से अच्छे से छान लेंगे। और हमने जो ये सूजी और नमकीन का चूरा बनाया है उसमें डालेंगे और इसे इस तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी हो ऊपर में वो हट जाए। इसको अच्छे से झाड़ देंगे। इसी तरीके से हम सारे कटलेट को तैयार करके रख लेंगे। पहले ये देखिए हमने इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने अभी गैस एकदम मीडियम फ्लेम पे रख रखा है। तो आइए डालते हैं इसे। हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। ये देखिए हमने इसे फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। हम इसे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। एक मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे पलटा के। ये देखिए हमने पलट दिया है, कितना रेड होके इसका कलर आ रहा है। इसे हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए हमारा कटलेट फ्राई हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कटलेट बनके तैयार है। इसे हम सॉस, ग्रीन चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि कैसा बना है कटलेट और ट्राई जरूर कीजिए अपने घर पर भी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।